हेलो हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विशाल में। तो फ्रेंड्स आज हम एचपी पुलिस फ्रेश गार्ड के लिए मैथ का पार्ट फोर करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स जो मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तभी ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को वो जो आप जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइडेड है ये, ठीक है, भाग है 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, माइनस 211, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने ठीक है यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, माइनस 211, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 672 को डिवाइड करना है 32 से, ठीक है, 21 से। तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक्स मान लेंगे, हम इसको एक्स मान लिया तो एक्स माइनस 211, ठीक है। तो इसका जो हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये 160 आया, ठीक है, और x माइनस 211, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे पास ये इस कंडीशन में दिया हो, ठीक है, तो ये जो इधर माइनस 211 है, अगर हम इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस का हो जाएगा। तो हमें जब इसको ऐड करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, तो x का वैल्यू हमारे पास 371 आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 475 प्लस 950 का 64% इज इक्वल टू 900 प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है कि यानी यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो का होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है 470 प्लस 950 का, तो गुना जहाँ पे यहाँ पे कहीं भी अगर परसेंटेज दियो तो फ्रेंड्स हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 से, ठीक है, याद रखेंगे आप, इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स। तो हम जब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से ठीक है 64/100 था, इसको जब हमने सॉल्व किया 950 मल्टीप्लिकेशन में था तो जो इसका सॉल्व करके आया वो आया 19 × 32 तो 608, ठीक है, 608 आ गया। तो इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स, ठीक है, जब हम ठीक है जब हम जो है वो एक्स है ठीक है इधर पॉजिटिव है, तो अगर इसको 900 को अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का, ठीक है, हमने इसमें लिख दिया माइनस का हो गया ये, ठीक है। और जो 470 प्लस 608 है वो हो गया 1083 माइनस 900, ठीक है। तो फ्रेंड जो एक्स जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 183, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेंड ये प्लस और माइनस का इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, इसको मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है, 3842 का 1/2 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है का 15% इज इक्वल टू 2429, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, यहाँ पे हमें नॉर्मली जो है वो जहाँ पे का था वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और एक्स मल्टीप्लिकेशन 15/100 2449, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1921 आएगा, ठीक है, और एक्स है एक्स गुना 15/100 है, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस 1921 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो 15x/100 जब हम 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3/20 आएगा, ठीक है, 3x/20 इज इक्वल टू 528, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 20 को ऊपर मल्टीप्लाई 3 को नीचे, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 528 गुना 20/3, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3520, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 3.25 50.4 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो जब हम 25 को सिंपली हमें 325 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दो अंकों बाद जो है हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो 81.25 आ जाएगा, ठीक है, और 50.4/24, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 504/, बिकॉज दशमलव है, दशमलव को हम नीचे जीरो लगा सकते हैं, तो 504/240 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 2.1, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सम करेंगे,
ठीक है, तो उसका जगह 83.35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी आप खुद करेंगे, ये भी इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने उसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इसी की तरह का है। ठीक है, तो इसको आप भी खुद करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको मैं करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो चाहिए होगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो जो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे इसको ले सकते हैं आप। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स ये 1575 भाग 21 भाग 5 इज इक्वल टू रूट में दिया हुआ है हमें कि यहाँ पर क्या आएगा, गुणा 6। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपली हम जो है डिवाइडेड बाई है तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा 1/21। ठीक है, बिकॉज हम 1575 भाग 21 भाग 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 गुना 5 कितना हो जाएगा, 21 गुना 5 और यहाँ पे 6 है, अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में है तो 1/6 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो 1575/630 तो इजिकल टू रूट दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5। तो जब हम 2.5 को हम जैसे हमारे पास 2.5 है तो इसको हम 25/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है तो 25 जब हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स। जब हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, जैसे रूट एक्स इज इक्वल टू 5/2 है, तो जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को जब हम 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 6.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो हमारा तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करें हम। ठीक है, तो देखते हैं इसको फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रूट ये, ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स जो 8 - √28 है उसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, √7 - 1² जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास 8 - √28 आएगा। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम जो है वो स्केयरिंग रूट ले लेंगे दोनों साइड में। ठीक है, रूट ले लिया तो 2 से ये 1/2 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो √(x-1) हमने यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, √(x-1) इजिकल टू √7 - 1। ठीक है, जो हमारे पास ये है। ठीक है, तो 1 अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, और √(x) = √7 दोबारा स्केयरिंग करेंगे तो स्केयरिंग से जो है रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = 7, तो x का जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको आप खुद ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 आप अभी देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर करें। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.7² / 0.343 = 0.7 का कितना पावर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.49 raised to power 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 0.7 का स्क्वायर था डिवाइडेड बाई, तो फ्रेंड्स अगर हम 0.7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 × 0.7 × 0, तो ये हमारे पास जो है 0.343 जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इसलिए हमने जो इसको इस तरह लिखा है। ठीक है, तो 0.7 raised to power x है और हम 0.49, ठीक है, तो 0.7 × 0.7 करेंगे तो हम दो बार, तो हमारे पास जो है वो 0.49 आएगा। तो हमने यहाँ पे ही लिखा, बट पावर हमारी 3 है तो 3 भी लिखेंगे, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 और 3 है तो 2 × 3 = 6। ठीक है, तो 0.6 raised to power 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0.7 raised to power x = 0.7 raised to power 6/0.7। ठीक है, तो 0.7 raised to power 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज हम इसको काट देंगे, ठीक है, तो एक कम हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 0.7 raised to power x = अगर हमारे पास जो है बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर जो है हमें इक्वल करनी पड़ती। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी प्लस माइनस का है सिंपली। ठीक है, और 14 भी ऐसा ही है, 15 भी ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो भी जो HP पुलिस और फ्रेश गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है उसको भी आप टेलीग्राम का चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है,
और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।